आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, दोस्तों आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बेहतरीन राइटर भी हैं। उन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई हैं और लिखी भी हैं, और वो हैं मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेख टंडन। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, मेरा रंग लाया। लेख टंडन साहब की नज़रों में औरत का मकाम बहुत ही ऊंचा है, ख़ास तौर पे माँ का मकाम। वो अक्सर एक शेर सुनाते हैं, आप भी सुनिए। जिसके दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ज़्यादातर फिल्में वुमन बेस्ड फिल्में बनाई, क्या औरत का कोई खास मकाम है आपकी जिंदगी में, या ऐसी फिल्में बनाने की कोई और वजह? जी हाँ, औरत का बहुत ही खास मकाम है मेरी जिंदगी। एक तो मैं बेटा हूँ, माँ का जाया हूँ, दूसरा जो हर कोई है। बिल्कुल। लेकिन मैं खानदान का पहला, घर का पहला चराग जी, नानी दादी का पाला हूँ, इसलिए औरत का असर मुझ पर बहुत ज़्यादा है। फिर रिश्ते नाते ही की तो फिल्म होती है, वो किस तरह भी क्यों ना हो, चुना मैंने औरत जात को, नातों के बगैर तो कुछ नहीं, लेकिन औरत असलियत में माँ है। बिल्कुल सही कहा। औरत, कुछ लोग कहते हैं कि इश्क करते हैं तो शादी करते हैं तो माँ बन जाती है, तो ये एक और रवैया है कुछ लोगों का। मैं कहता हूँ नहीं, औरत इश्क करती है माँ बनने के लिए, या वो शादी करती है तो माँ बनने के लिए, क्योंकि माँ जो है उसमें अहम है, वरना औरतपन अधूरा है जब तक वो माँ की पदवी ना हासिल कर ले। बिल्कुल अधूरा है। माँ का जज्बा एक जज्बा कुर्बानी का है, माँ का जज्बा देने का है, माँ का जज्बा लेना नहीं है। माँ एक धरती समान है, वो देती है, लेती कुछ नहीं। हाँ, मांगती है आपसे आपके दुख, वो मांगती है, सुख नहीं आपका मांगती, वो आपके दुख मांगती है। ये जज्बा जो है उसे माँ का जज्बा कह लीजिए, ये जज्बा, या इसे ये कह लीजिए कि दूसरे के एहसास को समझना, सोचना, उसका ख्याल रखना। अगर हम सब दूसरों के ख्याल का एहसास अगर करें तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में कभी भी कोई दुख नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। जितनी सिचुएशन, जितनी पॉलिटिकल सिचुएशन भी अगर कहिए जी, तो तभी है जब हम किसी के दूसरे का ख्याल नहीं करते, हम सेल्फिश से हो जाते हैं, अपने दायरे में रहते हैं। माँ ही तो है, मापन ही तो है जो सबसे ये पहले सिखाता है। लेख जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपने राइटिंग और डायरेक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन भी तो की है। जी हाँ, की है। मैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स और आपकी बनाई हुई फिल्म जो आपने प्रोड्यूस की थी उसके बारे में कुछ जानकारी चाहूंगी। तो बस मैं हर कोई, मैं तो क्या, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए हर कोई जो उसके माहौल होते हैं उसका पला हुआ होता है, उसका बना हुआ होता है, उन असरों से बना हुआ होता है। मैं पाकिस्तान से 47 की पार्टीशन से आया हूँ जी। कौन है जो ये नहीं जानता कि कितनी कत्लो गारत हुई थी, और मैं भी उसी नफरत का पला हुआ था। मेरे पे भी कुछ हादसे गुजरे थे कि जिसने मुझे जहर भरा बना दिया था।
लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए कि पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। अच्छा, उन हादसों को अगर मैं लेके बैठूंगा, उन बातों को लेके बैठूं, तो बात बहुत दूर खिंच जाएगी। लेकिन एक बात समझ में आई कि हर कोई, हर किसी का जिंदगी का रवैया, हर किसी का एक दूसरे से प्यार जी, या तो नफरत से करीब है, दोस्ती से करीब नहीं है। जितनी के हेट्रेड, जितना के नफरत दो लोगों को करीब ला देता है। जबकि जैसे कहते हैं यार, दो पंजाबी मिल जाए तो कहते हैं कि आप पंजाबी खाने की बात, अरे साहब जवाब नहीं, तो एक मद्रासी या फलाने वाले किसी भी प्रोविंस वाले को दूसरों को गालियाँ देंगे बैठ के। लेकिन अब उनकी, अगर वो लाहौर के रहने वाले हैं, दूसरा अमृतसर का है, तो कहेगा कोई अमृतसर शहर है, तो फिर आपस में लड़ पड़ेंगे। तो नफरत जो है वो लोगों को बांधती है। इस चीज को कहने के लिए मुझे एक फिल्म बनानी पड़ी। उस फिल्म का एक खास बात क्या थी जी? कि नफरत तो लोगों को बांधती है, उसको हम प्रेजेंट करना चाहते थे अबरार और मैं, तो सोचा कि क्या रास्ता मिले। एक आदमी को नाम मिलता है तो मजहब मिलता है, बिल्कुल सही, मजहब मिलता है तो नफरतें मिलती हैं और पसंदें मिलती हैं, और उसके बाद हर जिंदगी का जाविया बिल्कुल सीधा उसे नजर आता है, जो कि सही नहीं होता। नाम मिलने से पहले वो सिर्फ इंसान था। बात खूब। तब अगर किसी की याद छीन ली जाए तो उसे ये ना पता हो कि वो क्या नाम का है, तो उसे ये नहीं पता कि मैं किस मजहब का हूँ, तो उसे वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। वो क्या सोचता है मन में, शायद मैं ये हूँ, शायद मैं ये हूँ। अगर उसे ये भी भुला दिया जाए तो किस मुल्क का है, तो शायद वो किसी भी, को भी, किसी इंसान को भी नफरत ना कर पाए। तो जब नफरत मिला देती है तो यकजाई हमें क्यों नहीं मिलाती, प्यार मोहब्बत हमें करीब एक दूसरे के क्यों नहीं लाता। इस फिल्म को बनाने के लिए, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई थी, जहां प्यार मिले, कि जहां प्यार ही हो और कुछ ना। वाकई लेख टंडन साहब ने बिल्कुल सही कहा है, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। टंडन साहब को कई बार बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स मिले हैं, और दोस्तों ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक बार मुझे भी मौका मिला था अपने हाथों से उन्हें अवार्ड पेश करने का। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 15 अक्टूबर सन 2017 में लेख टंडन जी ये दुनिया छोड़ के चले गए, और हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।